सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की मेरी ब्लॉग वीडियो शहडोल जिले के आखिरी गांव की है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शहडोल जिले का आखिरी गांव कौन सा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल MDAR ब्लॉग पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, फिलहाल हम हैं सरईघाट। सरईघाट जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और सरईघाट की मेरी ऑलरेडी ब्लॉग वीडियो बनी हुई है। तो अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं सरईघाट तो दूसरे या तीसरे नंबर पे रैंक करती है। तो आप मेरी सरईघाट की ब्लॉग वीडियो देख सकते हैं। और अमराहा मार्केट जो कि एक बहुत ही बड़ा मार्केट रहता है, खूबसूरत मार्केट लगता है, तो उसकी भी ब्लॉग वीडियो मैंने बना के रखी है। तो आप शहडोल मार्केट, अमराहा मार्केट, छिरीटी, करकटी या जो भी सर्च करते हैं तो आपको मेरी ब्लॉग वीडियो जो है अमराहा मार्केट की वो मिल जाएगी। तो आप भी सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ गाइस, आप अपना कीमती कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से जो है वीडियो बहुत ही अच्छी हो जाती है और मुझे मोटिवेट मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी बेस्ट नई वीडियो बना पाता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं आप अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के सरईघाट का नज़ारा देखते ही बनता है। खतरनाक घाटी मानी जाती है सरईघाटी, जो कि शहडोल ज़िले के बॉर्डर और अनूपपुर के बॉर्डर से लगा हुआ एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन माना जाता है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और खूबसूरत वातावरण के साथ अपने बेहतरीन पल को एंजॉय करते हैं खूबसूरत सरईघाट में। तो सरईघाट का नज़ारा देखते ही बनता है। तो गाइस, ये जो घाट है सरईघाट का, ये करण पवार गांव के अंतर्गत थाना आता है और ज़िला अनूपपुर के अंतर्गत। और यह सरईघाट जो है एक नेशनल हाईवे रोड है, जो कि आगे चलकर बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, जो एक अच्छा रोड भी माना जाता है। रायपुर, जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर और आदि जगहों को जोड़ती है, जिससे सामान लाने ले जाने में और दूसरी जगहों पर ट्रेवल करने में भी बहुत ही अमेजिंग दृश्य लगता है जब हम सरईघाटी से गुजरते हैं। तो दोस्तों, सरईघाट का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो ये खूबसूरत रोड आप देख रहे हो, अगर ये नहीं बनी रही होगी तो कैसा लगता होगा। मतलब इधर से निकलने में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता रहा होगा। और जो आप आज खूबसूरत सरईघाट का रोडवे देख रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा, वो अलग ही लेवल पे सोचने को मजबूर कर देता है। तो कुछ इस तरह से खतरनाक घाट सरईघाट जो है एक आकर्षक रूप ले लेता है, जो आने वाले दिनों में बहुत ही तेजी से उभरता हुआ पर्यटन स्थल बन जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं हूँ अभी सरईघाट में। सरईघाट जो है शहडोल डिस्ट्रिक्ट और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में है। तो आज की जो मेरी ब्लॉग वीडियो शहडोल ज़िले के आखिरी गांव, या आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले और शहडोल ज़िले का आखिरी गांव, क्योंकि सरईघाट या सरईगांव जो है अनूपपुर ज़िले का आखिरी गांव है, क्योंकि शहडोल ज़िले के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो सरईघाट और सरईगांव का जो ब्लॉग है वो मेरी ऑलरेडी ब्लॉग वीडियो बनी हुई है। तो आप सरईगांव विज़िट कर सकते हैं और सरईघाट की वीडियो या सरईगांव की वीडियो भी आप देख सकती हो, जो मेरी पिछली वीडियो आई थी सरईघाट पथईघाट के लिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि शहडोल ज़िले या अनूपपुर ज़िले के आखिरी गांव में आने के लिए आपको शहडोल रेलवे स्टेशन से पोंडा नाला होते हुए सिमपुर रोड, निपनिया, पिपरिया, मड़वा होते हुए आपको सरईघाट
आते हैं और जिसका डिस्टेंस है लगभग शहडोल रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और गाइस बुढ़ार रेलवे स्टेशन से छिरेटी करकटी खैरहा होते हुए लगभग 33 किलोमीटर के आसपास जो है सरईघाट हिल स्टेशन पड़ जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सरईघाट के वाटरफॉल झरने के पास, जो कि झरने की वीडियो है, वाटरफॉल की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका जो नज़ारा है वो देखने लायक रहता है, एक अट्रैक्टिव लुक के साथ वाटरफॉल का। अभी फिलहाल हम लोग सरईघाट के झरने के पास है, ये देखिए, लेकिन झरने से अभी पानी आ नहीं रहा है तो ऐसे सूखा सूखा है। और सिराज जो है फोटो कैप्चर करने के लिए बैठा है और अमित भैया लोग भी आए हैं बुढ़ार के, तो आप देख सकते हो जो नेट वर्ल्ड कंप्यूटर है वो चलाते हैं, तो वो भी है घूमने के लिए आज संडे का। फिलहाल जो है हमारा सरईघाट का ब्लॉग वीडियो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अभी रिटर्न जाने वाले हैं, तो अमित भैया लोग भी आए हैं जो कि नेट वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से बुढ़ार की शॉप है। तो दोस्तों आफ्टर ऑल जो हमारा सरईघाट के वाटरफॉल का वीडियो है, ब्लॉग वीडियो, वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं कि शहडोल ज़िले के टूरिस्ट प्लेस या अनूपपुर के टूरिस्ट प्लेस में सरईघाट के वाटरफॉल बहुत ही अच्छे इंटरटेनमेंट का साधन है। और सरईघाट होते हुए आप बहुत सारी जगह हैं जैसे कि अमरकंटक, पंडरिया, रायपुर, जबलपुर, अमदरी और डिंडौरी, बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रोड है, मार्ग है, इसको स्टेट हाईवे 9 के नाम से जाना जाता है। और गाइज इस रास्ते से मतलब सरईघाट रोड होते हुए आप अमरकंटक भी जा सकते हैं, खूबसूरत हिल स्टेशन अमरकंटक, खूबसूरत कॉलेज, वहाँ भी जा सकते हैं। तो हम फिलहाल जो है पूरा सरईघाट को ए टू जेड कवर करते हुए अब नीचे आ गए हैं और पहुँचने वाले हैं शहडोल ज़िले के आखिरी गांव में। तो मैं शहडोल ज़िले का आखिरी गांव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक देखा ब्लॉग वीडियो में मेरी, सरईघाट जो है वो आधा अनूपपुर में पड़ता है, आधा शहडोल ज़िले में, लेकिन जो सरई गाँव है वो प्रॉपर जो है अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। तो फिलहाल जो है हम नीचे आ गए हैं और यहाँ से जो होती है सीमा प्रारंभ वो होती है पतखई गांव। तो पतखई गांव जो है वो हमारे शहडोल ज़िले में आता है और शहडोल ज़िले का आखिरी गांव है। फिलहाल हम लोगों को भूख लगी थी, ये देखिए, तो ये पतखई जंक्शन है जो पतखई घाट के पास है, तो यहाँ पास आ गए हैं और अभी हम यहाँ समोसा का ऑर्डर दे चुके हैं, समोसा खाने वाले हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा रहता है। पतखई जंक्शन द फैमिली ढाबा तो लिखा हुआ है, तो सिराज जो है हाथ धो रहा है, हाथ धोने के बाद हम लोग जो है नाश्ता करने वाले हैं, तो देखते हैं समोसा और कैसा लगता है। पतखई जंक्शन के पास चाय 10 रुपये, कॉफ़ी 25 रुपये, समोसा 10 रुपये पीस और समोसा चाट 30 रुपये, कुछ इस तरह से है। और फिलहाल समोसा आ चुका है, बड़ा ज़बरदस्त बड़े बड़े समोसे हैं, खाने के बाद ही पता चलेगा क्या लगता है, टेस्ट कैसा है, बाकी मटर ही ज़्यादा है। भाई फिलहाल आप देख सकते हो कई जनता में हम लोग समोसा खा रहे हैं, ठीक ठाक है वैसे समोसा। तो गाइस फिलहाल शहडोल ज़िले के आखिरी गांव की लेटेस्ट ब्लॉग वीडियो, लेटेस्ट शहडोल का जो है कवर हो चुका है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।